हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। और आज के EANR यानी कि एग्जाम एनालिसिस एंड रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। DSSSB जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 44/21 LDC। आज डेट 6 अप्रैल 2022 और आज 3 शिफ्ट्स में एग्जाम थे। 1 से 9 तारीख तक लगातार एग्जाम है, फिर 16 को फिर 23 को एग्जाम है। तो जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की एक क्वेरी और आ रही है कि आप लोग एक सेफ स्कोर और कट ऑफ प्रिडिक्ट करें कि जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो उसके लिए देखो, हवा में तीर मारना एक गलत बात होगी, ठीक है। उसके लिए करना क्या होगा, हमें सभी को अपना डेटा तैयार करना होगा कि हमारे कितने मार्क्स आ सकते हैं, हमने कितने अटेम्प्ट करे थे और कितनी हमें एक्यूरेसी लग रही है। क्योंकि सबको पता होता है कि कितने हम अटेम्प्ट करके आए हैं, कितने हमने तुक्के मारे हैं और कितने 100% श्योरिटी है। तो एक रफ डेटा तैयार करना होगा और उसके लिए आप लोगों के लिए एक फॉर्म तैयार करूंगा, गूगल फॉर्म, जिसमें आप लोग अपना अपना डेटा फिल करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो पहला काम करने की आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, ताकि जितने भी जाए, आपका एग्ज़ाम बाद में हो या फिर पहले हो चुका है, तो जितने भी साथी हैं वो एक जगह जुड़ जाएंगे, ताकि उसके बाद फिर जब वो फॉर्म बनाऊंगा तो फिर वो टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुंच जाएंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जितने भी लोगों को आप लोग जानते हैं, तो वो फॉर्म ज़रूर फिल करवाना, ठीक है। चाहे फिर वो हमें वीडियो देखते हों चाहे ना देखते हों, क्योंकि उसी से हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। नहीं तो उसके बिना कोई लॉजिक नहीं बनेगा कि हवा में बोल दो 150 145 नंबर बनेंगे, तो वो कहना थोड़ा गलत होगा। अगर अपने पास अच्छा खासा डेटा तैयार हो जाएगा तो ही एक प्रेडिक्ट कर पाएंगे। नहीं तो मैं कभी विदाउट डेटा मैं कभी नहीं बोलूंगा कि इतने मार्क्स बनेंगे इतने नहीं बनेंगे, ठीक है। तो पहला काम यही है कि टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। उसमें दो फायदे होंगे, एक जिनका आगे जितना इनका एग्ज़ाम है उन लोगों को डेली के, जिन लोगों के एग्ज़ाम होते हैं वो अपने आके रिव्यू शेयर कर देते हैं टेलीग्राम पे, ऐसा एग्ज़ाम हुआ वैसा एग्ज़ाम हुआ, ये क्वेश्चन वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे डायरेक्ट पता चल जाता है। दूसरा, उसके बाद जैसे भी हम एग्ज़ाम के बाद जो भी होगा वो उस पर विचार विमर्श वहीं पर करा करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू, जो भी है एनालिसिस। तो देखो, मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा अब, क्योंकि डेली की चीज़ हो गई है और सिमिलर पैटर्न वाली बात हो गई है। अब ज़्यादा अब उस पर एक ही चीज़ को रिपीट करना बार बार, वो भी मुझे वाजिब नहीं लगता कि भाई आप लोग आते हैं देखते हैं वही चीज़ रिपीट सी हो रही है और थोड़ा सा टाइम आप लोगों का लगता है, बट फिर भी चलिए जैसा भी है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ क्या रहा। तो देखो, मैथ्स में अब मैं सभी 5ों सब्जेक्ट के ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ जिन पर आप लोगों को फोकस करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैथ्स में आपको मेंसुरेशन पे यहाँ से करना है, जिसके ऊपर मैंने एक पूरी रिविजन वीडियो डाल दी है, वो देख लेना। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पे और इंस्टॉलमेंट्स पे, हो सकता है आपकी शिफ्ट में आ जाए, हो सकता है नहीं आए, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में किसी किसी शिफ्ट में आ रहे हैं, सब में नहीं आ रहे हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर सिंपल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसके बाद फिर आपका टाइम डिस्टेंस वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, टाइम डिस्टेंस स्पीड, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये आप लोगों के वो टॉपिक हैं जो आपका कैलकुलेटिव बना रहे हैं, ये वो टॉपिक है जो आपका एग्जाम कैलकुलेटिव बना रहे हैं। बाकी एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, और अपना सिंप्लीफिकेशन हो गया, उसके बाद फिर अपना जैसे कि एलसीएम एससीएफ वाले क्वेश्चन हो गए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के बहुत इजी आ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन आते हैं 10-15 क्वेश्चन जो भी आते हैं वो इजी बना रहे हैं और ये आप लोगों का कैलकुलेटिव बना रहे हैं। इसी को आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम अपना बहुत कम टाइम में ये क्वेश्चन हो सके। DI आ रही है 2 से 3 नंबर की, तो DI बहुत ईजी आ रही है, ज़्यादा मुश्किल DI यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्रिप्ट अर्थमेटिक, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी क्रिप्ट अर्थमेटिक की, उससे आज भी 2 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में आए हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक क्रिप्ट अर्थमेटिक की वीडियो नहीं देखी है तो वो लोग बहुत ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ऑप्शन के थ्रू हो जाएगा, तो एक बार ज़रूर देख लेना। रीजनिंग में मूल मंत्र एक ही है, सबसे बड़ा मूल मंत्र वही है कि अल्फ़ाबेट। कोडिंग डिकोडिंग से आप लोगों की, जो कि रोज़ ही बता रहा हूँ मैं, कोडिंग डिकोडिंग से आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन, इतने ज़्यादा कि 7 से 8 क्वेश्चन भी किसी ना किसी शिफ्ट में बन रहे हैं। तो 40 में से 7 से 8 क्वेश्चन बनना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है एक ही चीज़ में। उसके बाद फिर आपका जो ब्लड रिलेशन है वो भी कोडिंग डिकोडिंग का आ रहा है, और अब इनइक्वालिटी रेगुलर होती जा रही है, तो इनइक्वालिटी पर भी ध्यान दीजिए कि इनइक्वालिटी के भी 2 क्वेश्चन
आपके रेगुलरली हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, आज भी पूछे गए थे, ठीक है। और बेसिकली और कुछ भी चेंज नहीं है रीजनिंग में। रीजनिंग आज एक लास्ट शिफ्ट में, शायद थर्ड शिफ्ट में, थोड़ा सा यूं बताया गया कि ना थोड़ी लेंथी हो रही थी, ट्रिकी हो रही थी, उसकी वजह आप लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट है और आपकी पजल्स है, ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट पजल्स है, वही आप लोगों को रीजनिंग और मैथ्स में सिर्फ एक चीज जो ध्यान देनी होती है वो यही देना होता है कि टाइम मैनेजमेंट का। आप लोगों को वो क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप कर सकते हो जिससे थोड़ा टाइम बच जाए, तो वो। अब देखो ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, तो मैंने एक वीडियो भी बनाई तो उस पर भी मैंने बहुत कहा, और उस पर इतने कमेंट आए कि जिनका एग्जाम हो गया था बोले कि बिल्कुल सच बात है, मेरे आखिरी के 10 क्वेश्चन रह गए, आखिरी के 15 क्वेश्चन रह गए। मैं कुछ खुद से नहीं कर रहा, आप चाहे तो वो वीडियो जाके कमेंट पढ़ लेना। तो वो चीज़ आप लोगों के साथ ना हो तो आपको मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा अपना ध्यान देना होगा ही होगा, कि ताकि कम से कम टाइम में आप लोग ये अचीव कर पाओ, ताकि आपके पास एग्ज़ाम में आखिरी के मैथ इंग्लिश और हिंदी के लिए 40 या फिर 30 से 35 मिनट तो कम से कम बचे ही बचे, ठीक है। और दूसरी बात ये भी पूछ रहे हैं कि भाई टाइम आप एक बार ये बता दो, आप टाइम मैनेजमेंट बार बार कह तो रहे हो, ये बता दो कितना टाइम किस सेक्शन में देना चाहिए। तो मैं उनको यही कहूँगा कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कितना किस हिसाब से है भाई। कोई हो सकता है जिसकी रीडिंग बहुत फास्ट है तो इंग्लिश और हिंदी वो बहुत जल्द कर लेगा, उसका अराउंड 25 से 30 मिनट में हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एक आइडियल टाइम जो रहेगा आखिरी के 30 मिनट आप लोग अपने इंग्लिश और हिंदी के लिए दे सकते हो, 10 मिनट आप लोग मैक्सिमम 10 मिनट, या इससे थोड़ी सी रीडिंग और फास्ट करोगे तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी जीके हो जाएगी, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ टाइम है वो आप मैथ्स एंड रीजनिंग में इस हिसाब से दे सकते हो। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 40, यहाँ पे हम 80 मिनट यहाँ पे निकालेंगे तो ही बात बनेगी हमारी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप थोड़ा और कम करना चाहेंगे तो यही है कि भाई यहाँ से कम कर सकते हो, जीके से तो और कम नहीं कर सकते। 10 मिनट मान लो, चलो किसी के 7 मिनट या फिर 8 मिनट, तो कुछ क्लिक वगैरह भी तो करोगे, वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया, तो टाइमिंग वहाँ पे भी खर्च होती है अपनी क्लिक करने में हर क्वेश्चन को भी। तो इसको और थोड़ा कम करें, अपना और स्पीड इंप्रूव करिए, क्योंकि दो दो पैसे जा रहे हैं तो रीडिंग स्पीड तेज होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे इसको और रिड्यूस करोगे, जैसे इसको अगर 20 मिनट ले आते हो तो यहाँ पे वो +10 हो जाएंगे, 90 मिनट्स यहाँ तक हो जाएंगे। तो आप इस हिसाब से अपना देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे काफ़ी सही टाइम रहेगा। अगर मान लो मैथ्स में अगर हम एक घंटा 60 मिनट भी देते हैं, 60 मिनट तो नहीं, खैर 50 मिनट भी देते हैं, तो उसके बाद 80 के हिसाब से आधा घंटा हम रीजनिंग को दे सकते हैं, जो कि बहुत है आपके लिए 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में ज़्यादा डिटेल में ये बता देता हूँ कि इंग्लिश में टेंसेस कर लीजिए, आर्टिकल्स कर लीजिए, और आप लोग जो ट्रेडिशनल इंग्लिश हिंदी होती थी कि भाई वर्ड दे दिया उसका देख लो, स्पेलिंग देख लो, अब ज़्यादातर सेंटेंस वाइज आ रही हैं चीज़ें। जैसे तत्सम तद्भव भी जो हिंदी में आ रहे हैं वो सेंटेंस के थ्रू आ रहे हैं, डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं। तो बस एक ये छोटी सी आप लोगों को चेंजेस दिखने को मिल रहे हैं, बाकी और सिलेबस वाइज तो कुछ चेंज है नहीं, तो लेवल वाइज भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। हर किसी का यूनैनिमस एक रिव्यू है कि इंग्लिश हिंदी ईजी है, इंग्लिश हिंदी क्या है, ईजी है। डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कि भाई एक क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछ ली हो, वो चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए बेनिफिट है। तो ये ज़्यादा ऐसा नहीं हो रहा है। किसी ने ये पूछा कि अगर आगे वाली शिफ्ट में ऐसा हो जाए, तो वहाँ तक देखा गया कि अब रेगुलरली वैसे ही एक जैसा पेपर बन रहा है, और भी जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें भी एक जो स्टार्टिंग की शिफ्ट और एंड की शिफ्ट तक लगभग सेम ही रहता है। ऐसे डबल क्वेश्चन, डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं फिर, अगर क्या तो पहली शिफ्ट में ही बन जाएंगे, या फिर नहीं बनते तो फिर लगातार ही वैसे पेपर रहता है। क्या पता DSSSB वाले हमारी वीडियो देख के अब आगे बना दे हमें झूठा करने के लिए, बट वो बात अलग है। बट स्टिल पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। तो ये बात मैंने आप लोगों को कही, टाइम मैनेजमेंट की बात भी हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्कस कर ली है, और क्वेश्चंस तो मैं देखो खुद से लेके नहीं आऊँगा अब, जो भी आप लोगों के आते हैं, जो भी आप एग्ज़ाम दे के आते हो, वो जो बताए जाते हैं वो टेलीग्राम पे ही है, वो पर्सनल शेयर होते हैं, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन करके देख लीजिए। मैं यूट्यूब पे आके वीडियोस में नहीं, एक एक क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा। एग्जाम होने के बाद जब सारी शिफ्ट खत्म हो जाएंगी तब हम सभी को डिस्कस करेंगे, एक एक करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करा करेंगे, तब सारी डिस्कशन हुआ करेंगी। बस अभी टॉपिक्स ओवरव्यू मैं दिया करूँगा बस, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस की आखिरी में चलते चलते बात कर लेते हैं। कुछ बहुत मेजर टॉपिक्स हैं, जैसे जो स्ट्रेच हो रहे हैं वो एक हो रहा है पॉलिटी स्ट्रेच हो रहा है, दूसरा आपके जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं वो भी स्ट्रेच हो रही हैं, जो गवर्नमेंट की परियोजनाएं हैं तो वो एक से दो क्वेश्चन बन रही हैं 2014 के बाद की। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन तो बनते ही हैं, डांस, स्पोर्ट्स,
म्यूजिक और फेस्टिवल्स, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि जो अभी रिसेंटली हुए हैं आपके, मार्च में हुए हैं, फेब में हुए हैं, उससे पहले आपके नवंबर में जो एग्ज़ाम हुए हैं वो ज़रूर करिए। पीआरटी की भी आप लोगों के लिए तो एक बेनिफिट और हो गया कि पीआरटी की भी आंसर की आ चुकी है, पीआरटी की भी आंसर की आ चुकी है, तो उसके पीआरटी के आप अगर जीके के क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आज जैसे कि बहुत सारे डांस के जो क्वेश्चन अब आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, म्यूज़िक के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी रिपीट हो रहे हैं, फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं वो रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं ये, तो वही रिपीट हो जाती हैं एक आध क्वेश्चन। तो अब अगर आप जीके की तैयारी और थोड़ा रिवाइज करना चाहते हैं तो पीआरटी की जो आंसर की आ गई हैं उनको ज़रूर आप एक बार गो थ्रू करके जाना, और साथ साथ सेंसस के ज़रूर आप देख लीजिए, सेंसस से 2 से क्वेश्चन आ रहे हो डीप, उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं कि ऊपर ऊपर से चीज़ नहीं पूछ रही, डीप एनालिसिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जीके तो भाई सीधी सीधी बात है, जिसको कोई क्वेश्चन आता है उसके लिए तो आसान है, जिसके लिए नहीं आता उसके लिए टफ हो जाता है मामला, तो इस हिसाब से यही रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आज शेयर भी हुए हैं, तो टेलीग्राम पे आप लोग जरूर देखिएगा। बाकी अब मैं चलता हूँ, आप लोगों से विदा चाहूँगा। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा आप लोगों को कि अगर हमें एक डेटा तैयार करना है कि किसका कितना रॉ स्कोर बन सकता है, किस हिसाब से क्या अपनी कट ऑफ रह सकती है, तो उसके लिए आप लोगों को इनिशिएटिव लेना होगा। हवा में तीर चलाना एक अच्छी बात नहीं होगी, बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे, जैसे ही शिफ्ट खत्म होगी तो बोलेंगे कि ऐसी कट ऑफ जाएगी वो जाएगी, और वो थोड़ा वो तुक्का मार देंगे कि 140 से 160 के बीच में, और जनरली इतनी ही जाएगी, ये मैं भी बोल देता हूँ इतनी ही जाएगी, बट स्टिल अगर यही करना है तो ये तो आपको भी पता है। अगर मैं करूँगा ऐसे तो फिर मैं डेटा इकट्ठा करके करूँगा, और उसके लिए आप लोगों की ज़रूरत मुझे पड़ेगी। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि क्या हमें डेटा इकट्ठा करना चाहिए या नहीं चाहिए, जैसा भी होगा आप लोगों की डिस्कशन के साथ होगा। अब कल फिर मुलाकात होगी अलग अलग वीडियोज़ में, जिसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आ सकते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आ सकते हैं, और फिर एट द एंड एक ओवरव्यू और एनालिसिस वीडियो लेके आएंगे, जो कि कुछ हटके होगी चीज़ तो बताएंगे, नहीं होगा तो जैसा मैं बोल दूंगा कि भाई सेम पैटर्न चल रहा है, नथिंग चेंज, आप अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड नाइट।